बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि ये एक आंदोलन हम लोग तेज करेंगे और आने वाले समय में सरकार को हम लोग घेरेंगे। ब्रह्मचारी या किन्हीं का ये कह देना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इसका अर्थ तो माने ये निकाला जाता है कि वो संविधान बदलने की बात, भारत को दिया गया है सर्वधर्म का की आज़ादी, वो ये बदलने वाली नहीं है, ये सब कहने की बात है। ये सब बहुत दिन बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे और बिहार आते उन्होंने एक बार फिर से ये बयान दिया कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। बता दें आपको कि बाबा बागेश्वर के इस बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है, लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही और इसी कड़ी में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साफ तौर पर विद्यापति चंद्रवंशी ने यह कहा है कि किसी बाबा और संत के कह देने से देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, हर देश में भारत में भी इसको लेकर के हर जाति धर्म को लेकर के एक संविधान बनाया गया है। अगर किसी बाबा का ये कह देना कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देता है ये संविधान में बदलाव नहीं ला देगा। दरअसल आपको बता दें कि मौका था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के कार्य समिति बैठक का। इस मौके पर पार्टी के कई अधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी भी मौजूद थे और आने वाले दिनों में किस तरीके से शोषित और दबे कुचले लोगों के लिए आंदोलन को तेज करना इस पर चर्चा भी की गई। इसी मौके पर विद्यापति चंद्रवंशी ने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो भी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं, सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे विद्यापति चंद्रवंशी। आज आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी जिस पर आज जो दबे कुचले और शोषित वर्ग के लोग हैं जो अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के भी लोग हैं, आज ये देखा गया है कि जो हमारे जो कार्य समिति के पदाधिकारीगण हैं उन्होंने उन्हें भरपूर जगाने का काम किया है और उन्हें जो अन्य पार्टियां हैं जो अपने तरह से कई तरह से वादा आश्वासन देते हुए उन्हें ठगने का काम करती है उन्हें प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक बुलाई थी कि वो जा करके अपने उन्हें बताएं कि जो सरकार या जो पार्टी उन्हें ठगने का काम करती है उन्हें जाके प्रेरित करें कि समझावें कि आपको जो सचेत होना है और ऐसे दलों से बचना है। इसलिए क्योंकि जो दल आज झूठे वादे करती है, जैसे तेजस्वी जी ने कह दिया 10 लाख नौकरी देंगे, आज अति पिछड़ा समाज का जो आरक्षण है उस मुद्दे पर 18% आरक्षण है, उसमें 5 जातियों को डाला गया, उन जातियों को इस अति पिछड़ा समाज को जो है आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया गया, जबकि ये बढ़ना चाहिए अगर आप जाति बढ़ा रहे हैं तो। आज रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रोहिणी आयोग को 14वां बार विस्तार दिया गया, ये सब क्या है। इसलिए हम लोग पार्टी के पदाधिकारी और कार्य समिति की जो आज बैठक हुई है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि ये एक आंदोलन हम लोग तेज करेंगे और आने वाले समय में सरकार को हम लोग घेरेंगे और सरकार को घेर के अपने अधिकार की लड़ाई, अति पिछड़े समाज की अधिकार की लड़ाई, जो एक जो सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए समाज के वंचित शोषित लोग हैं उसके अधिकार की लड़ाई की आवाज़ अब बिगुल फूकने के लिए आज हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक बनाई है, बुलाई है और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी समय में, आने वाले समय में तिथि आपको बताई जाएगी। हम लोग बिहार में रोड पर उतरेंगे, पटना के रोड पर उतरेंगे और रोड पर उतर करके सरकार को घेरने का काम करेंगे कि अति पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ाए, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ उसे समय विस्तार देते देते अब समय विस्तार नहीं दिया जाए, उसे जल्दी से जल्दी उस पर जो है बंटवारा किया जाए। इसलिए हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज एकजुट होकर के आज कार्य समिति की बैठक में इन सभी बिंदुओं पर निर्णय लिया। संविधान जो है, इस देश का संविधान सभी धर्म और सभी जाति के लिए जो है वो बना हुआ है और इसमें किसी ब्रह्मचारी या किन्हीं का ये कह देना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो इसका अर्थ तो माने ये निकाला जाता है कि वो संविधान बदलने की बात हो गई, संविधान में परिवर्तन की बात हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तक संसद में आपको ये विषय पास नहीं होता है तो इस विषय पर कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी जो पंडित हैं वो कह दें, इससे इस देश का मैं नहीं समझता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की का परिकल्पना संविधान में निहित है, न कि
ऐसे ब्रह्मचारी और पुजारियों के द्वारा कह देने से ही होने वाला है। ये लोकतंत्र है, यहाँ की जनता जो चाहेगी वही होगी, और यहाँ की जनता सभी जाति और धर्म से आती है, इसलिए मैं तो समझता हूँ ये सब मेरे समझ से भीड़ इकट्ठा करने की बात है, पोलराइजेशन कहाँ जाए कि ध्रुवीकरण की बात है, ये सब बातें जो है मैं समझता हूँ कि ये भारत में इतना जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि ये संविधान में जो भारत को दिया गया है सर्वधर्म का की आज़ादी, वो ये बदलने वाली नहीं है, ये सब कहने की बात है, ये सब बहुत दिन ये सब चलेगा। कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? आप जो पैसा रखे हैं, जो संपत्ति अर्जे हैं, वो तो आप देंगे ही अपने परिवार को, लेकिन आने वाले समय में आपको उन्हें जो सम्मानने का काम आप अपने परिवार को ही कीजिए, और ये काम जो आप कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आने वाले वंशज के लिए, हम भी जो कर रहे हैं अपने परिवार अपने वंशज में, ऐसा आता है कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।